हरियाणा में विधायकों के पास आ रहे धमकी भरे मैसेज। गैंगस्टरों के नाम से मांगी जा रही है रंगदारी। विदेशी नंबरों से आ रही है व्हाट्सएप मैसेज। एसटीएफ कर रही है धमकी भरे मैसेजों की जांच। सोहना बीजेपी के विधायक सहित कांग्रेस के 3 विधायकों से भी मांगी गई रंगदारी। सरकार ने बढ़ाई 4 विधायकों की सुरक्षा। आधुनिक हथियारों वाले पुलिसकर्मी होंगे सुरक्षा में। हरियाणा में विधायकों को विदेशी नंबरों से मिल रही धमकियों को देखते हुए सरकार विधायकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल, एडीजीपी कानून व्यवस्था संदीप खिरवार और आईजी सुरक्षा सौरभ सिंह के साथ बैठक की। बैठक करके निर्णय लिया गया कि जिन विधायकों को धमकियां मिली हैं उनकी सुरक्षा में 4 या 5 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक हथियार भी उपलब्ध कराए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने दूसरे विधायकों की सुरक्षा की भी समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने विधायकों को आ रही धमकी भरी कॉल और मैसेज की उच्च स्तरीय जांच करने को भी कहा है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी देने वाले सीधे सीधे लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। कहा कि विधायक मात्र एक व्यक्ति नहीं है बल्कि वह लाखों लोगों का प्रतिनिधि है जो लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही अपने क्षेत्र की अनेक प्रकार की सार्वजनिक समस्याएं उठाते हैं। अगर उन्हें इस प्रकार की धमकियां मिलेंगी तो वह अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाएंगे। उन्होंने पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए। इससे पहले भी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विधायकों को देश विदेश से धमकियां मिलने से वे स्वयं भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विधायकों के परिवारों को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष ने चिंता प्रकट की है। गौरतलब है कि हरियाणा के कई विधायकों ने धमकी भरी कॉल और मैसेज मिलने की शिकायत की। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार से विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इससे पूर्व उन्होंने शुक्रवार को भी पुलिस, गृह विभाग व खुफिया एजेंसियों के उच्च अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही साडौड़ा से कांग्रेस विधायक रेणु बाला को धमकी भरा फोन आया था। वहीं सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार को भी विदेशी नंबर से इसी प्रकार की धमकी मिली है। सफीदों से कांग्रेस विधायक सुभाष गंगोली से भी रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था। विधायक से गैंगस्टर गोल्डी बराट के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। इतना ही नहीं, सोहना से भाजपा विधायक संजय सिंह को भी विदेशी नंबर से धमकी भरी कॉल आ चुकी है। विधायकों की सुरक्षा की मांग को लेकर हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीते दिन ही राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। रिपोर्ट, हरियाणा वरदान डेस्क। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।